सुन लीजिए, इस फिल्म में किरदार निभाने वाले जो आर्टिस्ट हैं उनसे लगातार इंडिया न्यूज बात कर रहा है और फिल्म में आसिफा नाम का किरदार निभाने वाली सोनिया बलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनिया, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। हालांकि शुरुआत एक या दो दिन में तो फिल्म उतना कमाल नहीं कर पाई, लेकिन अभी लोगों का प्यार बड़ा बढ़ चढ़कर मिल रहा है, उसके लिए आपको बधाई। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? जी, मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है कि हाँ, उन्हें समझ में आ रहा है कि एक ट्रू स्टोरी है, ये उन लड़कियों की कहानी है जिनके साथ ऐसा सच में हुआ है। और आज ऐसा नहीं है कि एक टाइम था जब लोग सिर्फ स्टार कास्ट को देख के जाते थे फिल्म के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आजकल सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्म्स बन रही हैं और लोग सब्जेक्ट को देखने के लिए थिएटर में जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान को देखने। सोनिया, जब अमूमन किसी एक्टर या एक्ट्रेस से उनकी फिल्म के बारे में बात होती है, सक्सेस के बारे में बात होती है, तो वो थैंक यू कहते हैं। आपने अवेयरनेस का जिक्र किया, ये क्या कोई मिशन था जिसके जरिए लोगों को अवेयर करना चाहती थी आप, इसीलिए केरला स्टोरी में ये कैरेक्टर आपने निभाया? नहीं, मैं जब मैंने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था, उसके बाद जब सुदीप तो सर, क्योंकि वो इस सब्जेक्ट पे, इस विषय पे 7 सालों से रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें कुछ पिक्चर्स दिखाए थे, हमारे साथ कुछ वीडियो शेयर किए थे, और मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में कि उस वक्त मैंने क्या फील किया था। हम लोग सब लोग जो भी इस फिल्म के पार्ट हैं, हम चारों लड़कियां उस वक्त साथ में थे और हमने वो वीडियोस देखे, पिक्चर्स देखे, और मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि नहीं, मैं इस फिल्म का पार्ट होना चाहती हूँ। ये क्योंकि मैं भी कॉलेज में पढ़ने गई हूँ, मैं भी आज कुछ सालों से मुंबई में रह रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही, मैं अभी भी आपसे बात करते करते मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब मैं अभी भी ये सोच रही हूँ कि अगर हम लोग में से किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए, हम घर से ऐसे हंसी खुशी खेलते हुए बाहर पढ़ने के लिए आते हैं और फिर किसी ऐसे आईसिस या टेररिज्म के नेटवर्क का पार्ट बन जाएं और कुछ इतना खराब किसी के साथ हो जाए, मतलब ये सोच के ही हम लोग की रूह तक कांप गई थी जब हमने वो पिक्चर्स देखे थे और सर की बातें सुनी थी। वहीं पे मैंने डिसीजन ले लिया था कि नहीं, अगर ये स्टोरी मुझे लोगों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है तो आई बी वेरी वेरी हैप्पी। मैं बहुत, अच्छा, एक तरफ तो आप ये स्टोरी लोगों के बीच में पहुंचाना चाहती थी, अब आपके किरदार पर आ जाते हैं। सोनिया, जो आसिफा का किरदार आपने निभाया है, उसमें दो तरह के रिएक्शंस अभी व्यूअर से आपको मिल रहे होंगे। एक तो हिंदू समाज के लोगों से जिनकी नाराजगी होगी आपके कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि जैसा हमने ट्रेलर में देखा है, अभी मैंने फिल्म हालांकि नहीं देखी है, जैसे आप लड़कियों को बहलाती फुसलाती हैं और बताती हैं कि इस्लाम कबूल करने में क्या क्या फायदे हैं, तो हिंदू समाज यहां नाराज हो गया। साथ ही फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो मुस्लिम समाज को नाराज कर रहा है, तो आप ये दो तरफा नाराजगी झेलेंगी या झेल रही हैं क्या? हाँ, मुझे बहुत गालियों वाले मैसेज, बहुत गुस्से वाले मैसेज तो आ ही रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी, मतलब अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूँ तो हाँ, वो ये बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ एक किरदार था। वो अगर मुझे गुस्से वाले मैसेजेस भी कर रहे हैं कि हमें आप पे बहुत गुस्सा आया, हमें आपको गालियां देने का मन कर रहा था, तो साथ में ये भी मैसेज कर रहे हैं, जिसके लिए मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ। इनिशियली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे गालियां पड़ेंगी या कुछ ऐसी बातें होंगी मेरे बारे में, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लाइंस बोल रही हूँ फिल्म में दोनों ही रिलीजन्स के बारे में, तो मुझे पता था कि ऐसा कुछ आएगा। लेकिन थैंकफुली लोग इतने समझदार हो गए हैं आजकल कि वो मुझे साथ में लिख रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि आपने किरदार निभाया है आसिफा का और रियल में आप ऐसे नहीं हो, तो ये आपका सिर्फ एक्टिंग थी जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ एक किरदार। अच्छा सोनिया, मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि कहीं पे भी मेरा एम ना ही फिल्म का कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हम किसी को भी हर्ट करें। मकसद सिर्फ इतना था कि एक जो ट्रू स्टोरी है वो हम किसी तक लाएं, और अगर 2-3 लड़कियां भी आईसिस या टेररिज्म के नेटवर्क से बच पाती हैं ब्रेन वॉश होने से, तो वो ही एक बहुत बड़ा रीजन है इस फिल्म को दिखाने। अच्छा, जो फिल्में होती है समाज का आईना होती है सोनिया, जब जब कोई टॉपिक फिल्मों के लिए चुना जाता है तो हमारी रियल लाइफ में आसपास कहीं तो घटता है, किसी के साथ तो घटता है। आप भी उन 3 लड़कियों से रियल लाइफ में मिली हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, वो एहसास क्या था? मैं उनसे मिली नहीं हूँ, सुदीप तो सर जो डायरेक्टर है वो पर्सनली मिले हैं, लेकिन उन्होंने उनके कुछ कॉन्वर्सेशन, कुछ लेटर्स, कुछ बहुत सारी चीजें हम लोग को दिखाई थी जब हम इस फिल्म को साइन कर रहे थे, जब हम तैयारी कर रहे थे इस फिल्म की। वो मोमेंट मैं आपको वही बता रही हूँ, मैं नम थी, और मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ रातें ऐसी थी जब रात में सोचते सोचते हम लोग सोते थे और बहुत डिस्टर्बिंग फीलिंग थी, क्योंकि मैं शायद एक लड़की हूँ, मुझे लगता है लड़की भी इस बात को समझ पाएंगे कि हम सब घर से बाहर जाते हैं। अगर आप साझा कर पाए ऐसा क्या था, मैं वो शेयर नहीं कर सकती, बहुत ही पर्सनल कुछ चीजें थी जो हमें सर ने दिखाई थी, कुछ शालिनी के मॉम के कॉन्वर्सेशन थे, कुछ जो फिल्म में कैरेक्टर्स हैं
उनके ही कुछ मैसेजेस थे, कुछ पिक्चर्स थे जो हमने देखे थे, मतलब पिक्चर्स तक हम लोग ने देखे थे, बहुत डिस्टर्बिंग थे. मैंने रियल कैरेक्टर्स की पिक्चर्स, जो ऑफकोर्स हम फिल्म में नहीं यूज कर सकते, करने चाहिए भी नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ सेफ नहीं होगी अगर हम. कोई बात नहीं, आप लिमिट का ख्याल रखिए, ही मेरी बातों का जवाब दीजिए. अच्छा, केरला स्टोरी, ये मालूम होता है कि केरल में लड़कियों को धर्म के तौर पर बरगलाया गया और उनका धर्म परिवर्तन हुआ, और ये दावा किया गया कि 32,000 लड़कियां ऐसी हैं. जब ये ट्रेलर सामने आया था, पहले केरल में ही कुछ मुस्लिम संगठन उठे, नाराज हो गए, उलझुलूल बातें करने लगे, कोर्ट का भी रुख कर लिया, और फिर धीरे धीरे देश भर से प्रतिक्रिया सामने आई. ये दावा किया जा रहा है कि हो सकता है एक या दो के साथ ऐसा हो सकता है. आप तीन रियल कैरेक्टर बता रहे हैं, लेकिन लोगों को बड़ी आपत्ति है कि 32,000 या फिर उससे ज्यादा लड़कियों के इस तरह से शिकार होने की खबर है, तो कतई गलत है. आप एक बात बताइए, मुझे लगता है अगर एक लड़की के साथ भी ऐसा हुआ है, दो के साथ, तीन के साथ, 30,000 के साथ, आप मुझे बताइए अगर किसी एक के साथ भी हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसपे फिल्म बनानी चाहिए? क्योंकि अगर एक लड़की भी अपने घर से एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए निकली थी और वो आईसिस या टेररिज्म का नेटवर्क का पार्ट बन के कहीं और ही पहुंच गई, तो मुझे लगता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है. प्लस जो मैंने आपको पहले बताया कि सुदीप्त सर की रिसर्च 7 सालों की है इस सब्जेक्ट पे, 7 साल से वो इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और क्योंकि इंटरव्यूज में आई एम श्योर विपुल सर, सुदीप्त सर इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऑफ कोर्स अवॉइड करूंगा. अच्छा, आपको ऐसा लगा नहीं कि दो धर्मों का इसमें जिक्र है, एक दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत हो सकती है, एक दूसरे से दूरी हो सकती है, बंट सकते हैं लोग? मुझे लगता है कि कैसे परसीव किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है. रिपीटेडली मेरा मानना ये है कि इस फिल्म का जो भी मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ ISIS और टेररिज्म से अवेयरनेस बढ़ाना था, कि आप वो लोग अगर ब्रेन वॉश कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे ब्रेन वॉश करते हैं. उनका एक नेटवर्क है जो कहीं कहीं प्लेस किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको ब्रेन वॉश किया जाता है. सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के अगेंस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को हमारा लेकिन हर्ट हुए हैं. खासतौर से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हर्ट हो रहे हैं, बल्कि बॉयकॉट तक करने की बात कर रहे हैं. जी हाँ, मैं ये सब देखिए हमारे कंट्रोल में नहीं है. मैं मुझे लगता है कि एक एक्टर, एज एक्टर, जब मैंने ये स्टोरी सुनी, मैंने उन तीन लड़कियों के बारे में पढ़ा, देखा, उनके पिक्चर्स देखे, मुझे लगा मैं इस स्टोरी का पार्ट बनना चाहती हूँ, मैं ये सच बात लोगों तक लाना चाहती हूँ. कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो ये चाहे मैं आज आपसे कुछ भी बोल लूँ या कर लूँ, ये चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, इट्स बियॉन्ड माय कंट्रोल. तो उस चीज पे मैं सोच के मुझे लगता नहीं है कि कोई फायदा है. अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, अगर आपने अच्छे इंटेंशन से किसी में काम किया है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है. अच्छा, चूंकि फिल्म की बात हो रही है, फिल्म और राजनीति दोनों अलग चीज होती है, लेकिन कुछ फिल्मों को लेकर राजनीति भी बहुत होती है, इसलिए अगर मैं राजनीति की बात नहीं करूंगी तो अधूरी ये बातचीत रह जाएगी. कर्नाटक में इलेक्शन है, और इलेक्शन के दौरान प्रचार करते हुए पीएम मोदी ने इस फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि सच दिखाया गया है आतंकवाद का, लोगों को देखना चाहिए. और वहीं से फिर एक लंबी लाइन शुरू हो गई, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स, तमाम बड़े मंत्री कह रहे हैं कि हाँ, इस फिल्म को देखना चाहिए. इनफैक्ट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो फिल्म टैक्स फ्री हो गई है. पहले इस पर बात कीजिए. ये एक ट्रू स्टोरी है, हम उन लड़कियों की एक सच्चाई है जो लोगों तक ला रहे हैं. तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर वो लोग बोल रहे हैं, उनको भी पता है कि ये ट्रू स्टोरी है. ऐसा कोई क्लेम नहीं है जो इस बात को ये हटा दे कि वो तीनों लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हुआ है. नहीं, लोगों को आपत्ति, सोनिया, लोगों को आपत्ति उन तीन कैरेक्टर से नहीं, उस आंकड़े से है जो 32,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है. और जो फिल्म के निर्माता निर्देशक है वो ये दावा कर रहे हैं, नहीं 32,000 नहीं, शायद 50,000 या इससे ऊपर भी आंकड़ा चला जाएगा अगर आप रियल में जाकर देखेंगे. इससे लोगों को आपत्ति है कि भला ऐसे कैसे हो गया. लालू प्रसाद यादव ने तो ये तक दावा कर दिया, ट्वीट उनका है, वो कह रहे हैं कि आपको मालूम है कि गुजरात से 40,000 लड़कियां गायब है, उनके बारे में तो कोई जिक्र नहीं हुआ. देखिए, मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ और अगर हम एक सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक फिल्म से, इस फिल्म का मकसद बस उतना ही था कि टेररिज्म और ISIS के अगेंस्ट हम लोग को दिखाना था कि उनके नेटवर्क पे आप कैसे बच सकते हो, वो लोग कैसे ब्रेन वॉश करते हैं, उतना ही पर्पस था. मुझे नहीं लगता कि किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी को इसे पर्सनल लेना चाहिए. इस फिल्म का मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हम किसी को हर्ट करें या किसी रिलीजन के अगेंस्ट हम कोई कमेंट कर रहे हैं, हम सिर्फ टेररिज्म के अगेंस्ट कमेंट कर रहे हैं. अच्छा, और जितनी भी रिसर्च, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ये फिल्म बैन कर दी गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि भाई आप फिल्म किस तरह से परसीव कर रहे हो वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है. मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसे इस तरह से परसीव करना चाहिए कि हम किसी रिलीजन पे कमेंट कर रहे हैं.
अगर वो ये सोच के देखेंगे कि ये ट्रू स्टोरी है जो पहले भी बनी है, पहले बहुत सारी फिल्म्स हैं जो ट्रू इंसिडेंट्स पे बनी है, ट्रू स्टोरीज पे बनी है, अगर इसको सिर्फ इतना ही समझ के देखा जाए कि हाँ ये ट्रू स्टोरी है और शायद कोई एक लड़की भी अगर इस फिल्म से बच जाए ब्रेन वॉश होने से, तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेस होगा इस फिल्म का मुझे लगता है। सोनिया, जब कश्मीर फाइल्स आई थी, हाँ जब कश्मीर फाइल्स आई थी तो कश्मीरियों ने बड़ा महसूस किया था दिल से, उन्हें लगा कि उनके दर्द को बड़े पर्दे पर उतार दिया गया, एक बड़ा धड़ा था जो सपोर्ट कर रहा था लेकिन एक बड़ा धड़ा वो भी था जो कि विरोध में था। ठीक यही केरला स्टोरी के साथ हो रहा है, आपको लगा था कि ऐसा होगा? मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इस हद तक कुछ होगा, लेकिन हर एक फिल्म, कोई भी फिल्म जो बनती है, अगर आप हॉलीवुड की फिल्म्स भी देखेंगे, जोकर थी जैसे, ओ माय गॉड भी जब इंडिया में आई थी, कोई भी फिल्म ऐसी नहीं हो सकती जो 100% लोगों को, सारे लोग उसी तरह से परसीव करें जिस तरह से बनाई गई है, डायरेक्टर ने जिस तरह से बनाई है, ये बहुत मुश्किल होता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता ऑफकोर्स। लेकिन कहीं ना कहीं मैं वही बोल रही हूँ, पर्पस ये नहीं था कि किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो, जैसे जो मैंने आपको फिल्म का नाम लिया अभी जोकर है या, तो उन सब पे कंट्रोवर्सी हुई थी कि इस तरीके के मैसेजेस स्प्रेड कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वो आपके ऊपर है आप कैसे परसीव कर रहे हो, फिल्म का मकसद वो नहीं। लेकिन उन फिल्मों को लेकर जिन फिल्मों का आप जिक्र कर रही हैं, इतने बड़े लेवल पर बातचीत नहीं हुई थी, प्रधानमंत्री ने जिक्र नहीं किया था, देश के बड़े नेताओं ने जिक्र नहीं किया था, कश्मीर फाइल्स को लेकर किया इसलिए चर्चा में ज्यादा रही, और अब द केरल स्टोरी को लेकर बयान हो रहे हैं या फिर चर्चा हो रही है इसीलिए ज्यादा इसके बारे में बात हो रही है। चूंकि रिएक्शंस तमाम सामने आए हैं, प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि सिर्फ केरला नहीं भोपाल में भी ऐसा हो रहा है, मतलब एक खबर है, एक स्टोरी है जो केरल स्टोरी में दिखाया गया कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को बरगलाया गया, ब्रेन वॉश किया गया, धर्म परिवर्तन करके उन्हें आतंकवादी बनाया गया। प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं सिर्फ वहीं ऐसा नहीं होता है, यहां तो भोपाल में भी हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। एक हुआ धर्म परिवर्तन करके आतंकवादी बना देना, एक होता है धर्म परिवर्तन करके उनका फायदा उठा के यातनाएं देकर उन्हें छोड़ देना या मार डालना। जी हाँ बिल्कुल सही, यही मैं बोल रही हूँ कि अगर कन्वर्जन करने के बाद आप अफगानिस्तान, सीरिया या किसी नेटवर्क का पार्ट आपको बनाया जा रहा है तो वो बहुत गलत है, और उसके ऊपर मुझे बिल्कुल लगता है कि फिल्म बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। अगर किसी एक लड़की के साथ भी ऐसा हुआ है जिसको टेररिज्म का पार्ट बना दिया गया है या ISIS का पार्ट बना दिया गया है, तो उस पर डेफिनेटली फिल्म बननी चाहिए और बनाई इसीलिए। अच्छा सोनिया, आप उत्तर प्रदेश के आगरा से बिलोंग करती हैं, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो दर्शक ये भी जाने कि आप उत्तर प्रदेश के आगरा से बिलोंग करती हैं। जब धर्म परिवर्तन की बात होती है ना सोनिया, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई ग्रुप्स थे, ऐसे कई लोग थे जो एक्टिव तौर पर लोगों को ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कर रहे थे। मतलब उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिन्हें लोग लव जिहाद का नाम दे देते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में यूपी को लेकर भी ऐसी कोई फिल्म बनेगी या फिर ऐसा कुछ आपने सोचा है क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं। अभी जो लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देंगी आप? मैं उन्हें बस यही मैसेज दूंगी कि ये फिल्म ISIS और टेररिज्म के अगेंस्ट है, तो प्लीज आप उसको उसी तरीके से परसीव कीजिए और इसको पर्सनली कोई भी पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि मैं खुद बचपन से, जैसे आपने बोल दिया, मैं आगरा में रही हूँ, वहीं से मैं बड़ी हुई हूँ, हर एक धर्म के, हर एक रिलीजन के मेरे दोस्त रहे हैं, किसी को भी ऐसा नहीं है कि हम लोग को किसी के भी अगेंस्ट कुछ बनाना था, ये सिर्फ टेररिज्म और ISIS के अगेंस्ट है। अच्छा, एक्टर और एक्ट्रेसेस तो अपने कैरेक्टर में बिल्कुल घुस जाते हैं, कई बार देखने वाले भी बिल्कुल खो जाते हैं और सामने वाले कैरेक्टर को या तो बहुत पसंद करते हैं या तो बहुत नापसंद करते हैं। आसिफा तो ऐसा कैरेक्टर है जो विलेन के तौर पर दिखाया गया है, आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था आपको आसिफा के तौर पर देखते हुए? मेरे घर वाले बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं अब, मुझे कुछ साल हो गए हैं एक्टिंग में, उन्हें पता है कि ये कैरेक्टर है, वो इतना डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये सिर्फ एक एक्टिंग कर रही है, लेकिन फिल्म देखते देखते उन्हें गुस्सा आया मुझ पे, क्योंकि मैं ऑफकोर्स टेररिज्म का कहीं ना कहीं पार्ट थी, और जिस तरह से मैंने अपना किरदार किया है, मुझे खुद पापा ने फोन करके फिल्म देखने के बाद कहा कि बेटा हमें बहुत गुस्सा आया फिल्म देखते वक्त तुझ पे, लेकिन वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि जो भी आपने रोल किया है वो उतनी ऑनेस्टी से किया है, इसीलिए हमें गुस्सा आया आप पे, और वो समझ पा रहे थे कि ये सिर्फ एक किरदार है, ये सिर्फ एक एक्टिंग का पार्ट है। लेकिन हाँ, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मेरे सोशल मीडिया पे और अदरवाइज मुझे बहुत गालियां भी दे रहे हैं, बहुत लिख भी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये किरदार था, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो टाइम आ गया है इंडिया में कि लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये सिर्फ एक एक्टिंग का पार्ट था, ऐसा नहीं है कि उसको एज इट इज लेके परसीव कर रहे हैं। इनफैक्ट मेजोरिटी लोग मुझे
ठीक है कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे शायद, पर मेजोरिटी लोगों ने जो मैसेज किया है उसमें उन्होंने साथ में गाली देने के बाद ये भी लिखा है कि पर कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं कि आपने किरदार किया है पर शायद आपने इस तरह से किया है कि हमें गुस्सा। तो छोटे पर्दे पर टीवी सीरियल के बाद फिर बड़ी फिल्मों में आपने कैरेक्टर निभाया और बखूबी निभाया जो कि पर्दे पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आसिफा का कैरेक्टर करने से पहले क्या कुछ खास तैयारी आपको करनी पड़ी थी, कोई रिसर्च करनी पड़ी थी? हाँ, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और आसिफा केरलाइट है, तो एक जो मलयाली एक्सेंट था उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ी थी स्पेशली उस एक्सेंट के लिए। प्लस क्योंकि आई एम अ हिंदू, शी इज अ मुस्लिम, तो एक हिजाब कैसे पहना जाता है, नमाज कैसे पढ़ा जाता है, वो सब मैंने सीखा था। तो तैयारी तो बहुत कुछ लगी थी एक्सेंट के लिए भी, मेरा अटायर, बैठना, बोलना। प्लस मुझे लगता है कि एक एक्टर को पहले ही वो दी जाती है कि किसी कैरेक्टर को जज मत करो, और क्योंकि वो आसिफा मेरे लिए टेररिस्ट थी, मेरे लिए दिमाग में एक नेगेटिव कैरेक्टर था, पर एज सोनिया जब मैंने वो कैरेक्टर लिया तो मैंने पहली चीज यही सोची थी कि मैं उसे जज नहीं करूंगी वरना मैं उतनी कन्विंसिंगली नहीं कर पाऊंगी। तो वो पूरा अपना सोल, अपना दिमाग सब चेंज कर लेना, आसिफा का बना लेना, वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। सबसे डिफिकल्ट कि मैं इस बात को अपने जहन में रखूं ऐसा आसिफा कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, तभी मैं उतने कन्विक्शन से स्क्रीन पे आप लोग को देख पाऊंगी। तो वो वैसी थिंकिंग, वैसा काम एक्सेप्ट करना कि सही है उस ड्यूरेशन के लिए जितना टाइम मैंने शूट किया, वो सबसे चैलेंजिंग था। आपने कहा सुदीप्तो सेन ने उन लड़कियों की पिक्चर्स और उन लड़कियों की चैट बातें आपके साथ शेयर की और आप रात भर सो नहीं पाई, आप सोच में पड़ गई जब आसिफा का कैरेक्टर आपने निभाया, क्योंकि फिल्म में जब शूट होते हैं एक एक सीन को कई कई बार रीटेक करना पड़ता है, उस कैरेक्टर में उतरना पड़ता है, तो फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपको परेशान करते थे? हाँ, क्योंकि मुझे उसी जोन में रहना पड़ता था, तो बहुत मेरे कास्टिंग क्रू ने भी कुछ कुछ कहा था कि तेरे बिहेवियर में चेंज लग रहा है जनरली आल्सो। अच्छा, जब मैं वैनिटी में बैठी, किस तरह के चेंजेस बात अगर आप बताना चाहें? मतलब मेरे बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंज की, मतलब एक जैसे एक इंसान कहीं रूम में एंटर करता है, आई एम श्योर आपको दिखता होगा कि एक वाइब होती है एक इंसान की, तो वो सोनिया की वाइब नहीं थी, वो आसिफा की वाइब थी। मतलब मैं जब कहीं एंटर करती थी या कहीं वैनिटी में भी कोई आता था या मैं कुछ बात करती थी तो कभी कभी मैं आसिफा की तरह बात करती थी। इनफैक्ट मैं बीच में आगरा गई थी कुछ दिन के लिए रोल से जस्ट पहले, मुझे किसी काम से जाना पड़ा था, तो मैं अपनी भाभियों से भी मलयाली एक्सेंट में ही बात कर रही थी, तो वो हंस रहे थे उस वक्त, उन्हें पता नहीं था कि क्या है रोल, क्या नहीं है। तो ये सब चीजें, हाँ जैसे मैंने कहा एक एक्टर को अपना सोल चेंज कर लेना पड़ता है कैरेक्टर का, तो वो मेरी वाइब चेंज हो गई थी कुछ दिन तक, ऐसा मेरे आसपास वालों ने मुझे कहा था कि हाँ तू कभी कभी चल के आ रही होती है और हमें आसिफा दिख रही होती है, जबकि मैं आसिफा वाले अटायर में नहीं होती थी। तो वो डिस्टर्बिंग था ऑफकोर्स, जैसे भी आई एम श्योर सारे एक्टर्स जब बताते हैं कि जैसे खिलजी ने, रणवीर सिंह ने जब खिलजी किया था तो उनका भी यही कहना था कि बहुत बहुत डिस्टर्बिंग होता है ऐसे कुछ कैरेक्टर को करना, क्योंकि आप उसी सोच के साथ उठते हो, उसी सोच के साथ सोते हो, तो एक अच्छे कलाकार की पहचान यही होती है कि आप अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से उतर जाइए, जो बखूबी आपने निभाया है बड़े पर्दे पर लोग पसंद कर रहे हैं, और आपका कहना यह है कि फिल्म सफल तब होगी जब ऐसी बच्चियों को, ऐसी लड़कियों को बचा लिया जाएगा, और अगर वो संख्या बहुत कम भी है तो आप फिल्म को सक्सेसफुल मानेंगी, ये बहुत अच्छी बात है। सोनिया बलानी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, फिल्म इसी तरीके से सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ती रहे, लोगों का